हेलो सो मीना विदोस ये मेरे पास में डेल का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता इंस्पिरॉन 3520 लैपटॉप जो किया था इंटेल के ट्वेल्थ जनरेशन प्रोसेसर्स के साथ में जहाँ पे हमें इंटेल कोर i3, i5 और i7 सेवन ट्वेल्व जनरेशन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं ऐसे में मैं इस लैपटॉप को अराउंड फोर डेज से यूज कर रहा हूँ चार दिन से तो इसी डेल इंस्पिरॉन थ्री के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एंड की बात करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक 65 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिल जाता है विद राउंड पिन टू चार्ज द इंस्प्रॉन 3520 लैपटॉप और डायरेक्टली लैपटॉप पेपरवर्क मिलता है वो तो कोई भी पढ़ता नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जो कि सेम रखी गई है सेम लाइक द लास्ट ईयर थ्री यहाँ पर दोस्तों आता है एक लिफ्ट होने वाली हिंज के साथ में अब ये जो हिंज है ना इसकी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव ये है कि जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ये जो हिंज है इस लैपटॉप के कीबोर्ड को यहाँ पे लिफ्ट कर देती है इस एंगल में ताकि आप टाइपिंग अच्छे से कर पाए प्लस जो एयर फ्लो है इस लैपटॉप का वो बेटर हो जाता है इसी के चलते लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइड भी है कि यहाँ ये यह जो हिंज है ना इसका बहुत ही एक सीरियस इशू है कि यहाँ पे अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ी से बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत तेज़ी से लैपटॉप को ऐसे ओपन कर देते हैं तो यहाँ से पूरी डिस्प्ले उखाड़ देती है मैंने लेस्ट लास्ट टाइम थ्री की वीडियो बनाई थी तब मे को ये मालूम नहीं था नहीं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करे फिर मैंने रिसर्च करी तो बहुत लोगों के साथ दोस्तों ये होने लग रहा है विच इज वेरी वेरी हॉरिबल मतलब इतनी महंगी मशीन अगर कोई ले रहा है और ये क्वालिटी इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये एक चीज है दूसरा दोस्तों बात करते हैं डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पूरी हमें प्लास्टिक की देखने के लिए मिल जाती है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से एक चीज दोस्तों मैंने यहाँ पे नोटिस करी डिजाइन के बारे में वो ये कि जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे टाइप सी पोर्ट इंक्लूडेड नहीं है और टाइप सी पोर्ट दोस्तों 2022 में नहीं होना अभी हम लोग एकदम एंड में है 2022 के 2023 आने वाला है लगभग एक महीने के अंदर तो ये एक बहुत ही निराशा वाली बात है वैसे इसकी जो थिकनेस है वो 21 मिलीमीटर mm की है नॉर्मली जो इस रेंज के लैपटॉप रहते हैं उसकी थिकनेस रहती है अराउंड 18, 19 मिलीमीटर इन सम केसेस 20 मिलीमीटर mm, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा थिक है बिकॉज पे जो हिंज का बैक वाला पार्ट है ज़्यादा थिकनेस इसकी ले रहा है नीचे से यहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है उसके बाद जो है, वो है वन पॉइंट सिक्स फाइव का वेट बहुत डिसेंट है बिकॉज इस फॉम फैक्टर के अदर लैपटॉप्स यहाँ पे वन पॉइंट का वेट लेके आते हैं तो डायमेंशन की बात हो गई है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में जैसे ही आप लीड ओपन करते हैं फिफ्टीन इंच की यहाँ पे डिस्प्ले रखी गई है सबसे पहले दोस्तों स्मूद होगी नॉर्मल में यहां पे, तो तो यह पे इतना डिफरेंस निकाल के नहीं देती है 250 nits की ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले के साथ में और 45 परसेंट का एनटीएससी दिया हुआ है अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पे जब आप इसको मैक्सिमम ब्राइटनेस तक लेके जाते हैं तो सनलाइट में भी इजीली देख सकते हैं 250 फिफ्टी इज अ गुड ब्राइटनेस और यहाँ पे अगर बात करते हैं डिम की मतलब नाइट में अगर आप यूज करते हैं तो इतनी डिम हो जाती है कि आपकी आईज़ को इफेक्ट नहीं करेगी वैसे डेल बोलता है कि एक ब्लू लाइट फिल्टर के साथ में भी आती है ये डिस्प्ले सो इट्स अ गुड थिंग तो डिस्प्ले इज़ वेरी डिसेंट ऑन दिस लैपटॉप कंसीडरिंग द प्राइस रेंज अगर आप इसको और भी ब्रांड्स के लैपटॉप से कंपेयर करते हैं सेम रेंज के एच नोटबुक हो गया आइडिया पैड हो गया सबसे यहाँ पे कंपीट कर लेगी मैच रहेगी उनके स्टैंडर्ड में ये डिस्प्ले लेकिन उनमें यहाँ पे सिक्सटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलता है ये वाली वन ट्वेंटी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है सो दिस वन इज अ स्टेप फॉरवर्ड और यहाँ पे दोस्तों तो बात करते हैं इसी लैपटॉप के ऑथेंटिकेशन मेथड्स की तो यहाँ पे ना कि फिंगरप्रिंट देके रखा है और ना ही यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन देके रखा है तो ये एक निराशा वाली बात है वो जरूर से ऐड कर देना चाहिए था बिकॉज एज आई सेड अगेन वी आर इन 2022 और ऑथेंटिकेशन मेथड कब से लेके इवन लाइक थर्टी फोर्टी थाउजेंड की रेंज की लैपटॉप भी लेके आ रहे हैं तो इस वाले वो अभी तक मिसिंग है फिर दोस्तों यहाँ परफॉर्मेंस पार्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस लैपटॉप को देख के वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में है बिकॉज वही चीज़ चेंज करी गई है जो कि है इसका ट्वेल्थ जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर ऐसे में यहाँ पे मेरे पास में आई फाइव ट्वेल्थ जनरेशन है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली सोल्ड अराउंड फिफ्टी टू थाउजेंड का अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में तो आप उस लिंक से जाके इसको परचेस कर सकते हैं यहाँ पे जो गिग बेंच के स्कोर्स निकाल के दिए ना दोस्तों इस लैपटॉप ने वो देख के मैं सरप्राइज हो गया लाइक मैंने दो तीन बार इसके टेस्ट रन करे यहाँ पे वन टू वन सिक्स का सिंगल कोर में और थ्री फाइव सेवन नाइन का मल्टी कोर में अगर इसको कंपेयर करते हैं इवन इलेवन जनरेशन के लैपटॉप से तो भी लाइक अराउंड वन थाउजेंड पॉइंट आई फाइव में कम निकल के आ रहे हैं मैंने लास्ट ईयर आइडिया पैड थ्री रिव्यू करा था वो वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं उसमें फोर थाउजेंड टू हंड्रेड्स कोर निकल के थी और मल्टी कोर तो एक सीरियस यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन इशू है जो कि जरूर से फिक्स होना चाहिए बिकॉज इट्स टेन कोर प्रोसेसर तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी प्लस यहाँ पे एक और कंजूसी करी गई है कि जो यहाँ पे ग्राफिक है वो इंटेग्रेटेड इंटेल यूएचडी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेल आयरिस एक्सी जो कि सारे ही इलेवेंथ जनरेशन लैपटॉप में यहाँ पे ऐड कर दिया गया था तो सिर्फ एट एट फोर नाइन का ग्राफिक्स कोड निकाल के दिया है इस लैपटॉप ने और जो आयरिस एक्सी है लास्ट ईयर वो फोर्टीन थाउजेंड का लेके आ रहा था तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड लग रहा है ये तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे यूजेज में आपको पता पड़ जाएगा कि इतनी अच्छी नहीं निकल के आ रही है अब जब परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी नहीं निकाल के दे पा रहे हो तो यहाँ पे आप एक स्मूथ डिस्प्ले दे के मतलब क्या ही कर रहे हो एक और चीज दोस्तों यहाँ पे डाउनग्रेड कर दी गई है वो है इसकी रैम टू ट्रिपल सिक्स वाली रैम देखने के लिए मिलती है मतलब डी डी आर फोर टू ट्रिपल सिक्स मतलब ये मेगा हर्ट्स होते हैं रैम के जो कि कैलकुलेट करे जाते हैं नॉर्मली थ्री टू डबल जीरो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है लास्ट ईयर से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेके अब यहाँ पे डेल इंसप्रोन हमें ला के दे रहा है थ्री टू ट्रिपल सिक्स वाली रैम जो कि एक डाउनग्रेड है सिंगल स्लॉट है जो कि आप थर्टी टू जी तक अपग्रेड कर सकते हो वैसे अमेजोन की लिस्टिंग बोलती है सिक्सटीन जी लेकिन वो चीज़ करेक्ट नहीं है मैंने आप पर पर्सनली ट्राई करा है थर्टी टू जी तक आप यहाँ पे रैम को अपग्रेड कर सकते हो विच विल भी थर्टी टू जी बी डी डी आर फोर टू ट्रिपल सिक्स रैम एस एस डी यहाँ पे एमड्रॉट टू की देखने के लिए मिल जाती है सिंगल स्लॉट है उसको भी आप यहाँ पे टू टी बी तक अपग्रेड कर सकते हो कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे वाई फाई सिक्स देखने के लिए मिल जाता है और ब्लूटूथ फाइव पॉइंट टू हम देखने के लिए मिल जाता है फिर दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के की के बारे में तो यहाँ पे प्लास्टिक की देखने के लिए मिल जाता है अगेन फीलिंग अच्छी आती है अगेन एज आई साइड यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करते हैं इसके दो मेन कॉम्पिटिटर्स है लेनोवाइडियापैड थ्री और एच पी नोटबुक फिफ्टीन तो की बोर्ड यहाँ पर यहाँ पर ऑन पार रहेगा सेम यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा इन सम केसेस डेल का इवन बेटर निकल के आ जाएगा एच पी पचपी नोटबुक से लेकिन यहाँ पे एज आई सेड ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है दूसरा यहाँ पे हमें बैकलेट कीबोर्ड नहीं देखने के लिए मिलता है यू आर स्पेंडिंग फिफ्टी टू थाउजेंड फॉर द आई फाई वेरियंट और आपको यहाँ पे बैकलेट की बोर्ड नहीं मिलता है विच इज़ अ मेजर कॉम्प्रोमाइज़ दोस्तों कुछ मॉडल्स हैं इस लैपटॉप के जो कि बैकलेट के साथ में आते हैं लेकिन मैंने उनकी प्राइस चेक करी सिक्सटी थाउजेंड के आसपास का जा रहा है विच इज डेफिनेटली नॉट वर्थ तो बहुत ही uh, सोच समझ के ये लैपटॉप आप परचेज करिएगा जो मैं वर्जन अनबॉक्स कर रहा हूं जो कि ब्लैक कलर में आता है ये वैसे मेरे पास में प्लेटिनम कलर है लेकिन इसका ब्लैक कलर आता है इंडिया में फिफ्टी टू थाउजेंड का आपको मिलेगा एमेजोन के ऊपर वो यहां पे अगर पचास हजार के आसपास का आपको मिलता है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं अगर फिफ्टी टू फिफ्टी टू थाउजेंड से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों वर्थ नहीं है बिल्कुल भी भूल के भी उसको नहीं लेना इसका आई सेवन वाला वर्जन बिल्कुल भी मत लेना भले आपको सिक्सटी फाइव थाउजेंड का मिले तब भी मत लेना बिकॉज बिल्कुल वर्थ नहीं रहेगा इसका सिर्फ i3 थ्री अराउंड फोर्टी फोर्टी थाउजेंड में और i5 फाइव अराउंड फिफ्टी टू थाउजेंड तक आप परचेस कर सकते हो फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रैक पैड की तो ट्रैक पैड यहाँ पे स्मूथ है मल्टी फिंगर स्क्रॉलिंग वगैरह सारा ही कुछ अच्छे से निकाल के दे देता है एंड अगेन यहाँ पे जो एस एस डी की स्पीड्स है वो ओके okay ओके -okay निकल के आ रही है डिसेंट निकल के आ रही है दिस स्पीड इज़ बेटर देन द सेवन फोर टू जीरो जो कि मैंने अभी दो दिन पहले रिव्यू uh, करा था uh, तो एस एस डी के बारे में नो कंप्लेंट इट्स डीसेंट स्पीड एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर दोस्तों वेब की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बिंदी जितने साइज का ये वेब है तो सिर्फ दो मेगापिक्सल का 720p वाला वेब है और कैसे निकल के आ रहा है वो आप आगे देख सकते हो तो सो ईवेल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है थ्री फाइव टू जीरो के वेबकैम के साथ में इट्स सेवन ट्वेंटी पी वैब कैम और कैसे यहाँ पे फंक्शन कर रहा है वो आप देख सकते हैं कैमरा शटर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि हमें लेनो के आइडिया पैड थ्री में देखने के लिए मिलता है तो इमेज यहाँ पे ऑन स्क्रीन में बता सकता हूँ कि डिसेंट निकल के आ रही है ऑडियो कैसे निकल के आ रही है वो आप मेरे को बताइएगा नीचे कॉमेंट में वैसे सिंगल यहाँ पे माइक्रोफोन दे के रखा है इसी लैपटॉप ने दोस्तों ये था इस लैपटॉप का वेब कैम ये भी मेरे को सेम लगा लास्ट ईयर के तरह ही कैसे निकल के आ रहा है वो आप बेटर जज कर सकते हो और जो ऑडियो निकल के आ रही है वो भी डिसेंट निकल के आ रही है बैकग्राउंड में यहाँ पे फैन चल रहा था तो कैसे नॉइज एलिमिनेट कर रहा है वो भी आप यहाँ पे फिर से रिवाइंड करके उसको देख सकते हो अगर आपको चेक करनी है तो बिकॉज ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड की बात करते हैं तो डुअल रियर फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप अपने बेड पर रख के इसको यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी सोचना ही मत बिकॉज स्पीकर भी बैक साइड में आवाज़ दब जाएगी और इसके जो फैंस हैं वो भी बैक साइड में दिए हुए हैं एक्जैक्टली exactly अगर बात करूँ तो राइट साइड में दिए हुए हैं बैक साइड में तो ये एरिया हमेशा गर्म ही रहता है मैंने यहाँ पे टेस्ट करा 44, 45 तक चला जा रहा है मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस लैपटॉप को किसी टेबल पे ही रख के यूज़ करिएगा नहीं तो आ, फैन इसका हमेशा एक्टिव ही रहता है बिकॉज थोड़े हीटिंग इशूज़ है इस लैपटॉप के साथ में तो यहाँ पे आपको हीटिंग इशू फेस हो सकता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टेम्परेचर 42 भी टच कर रहा है इवन आगे वाले पार्ट में भी और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के बारे में तो आता है विंडोज 11 के साथ में विच इज द लेटेस्ट वर्जन और आता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर लाइफ टाइम होम एंड स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है ऐसा बोलता है अमेजोन का डिस्क्रिप्शन लास्टली दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पे एक 41 वन आवर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 65 फाइव

कुछ और सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज करने की जरूरत है डेल को फॉर बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे टाइप सी पोर्ट इंक्लूड कर देना चाहिए था और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए एक मेथड दे देना चाहिए था भले ही वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फिर हो आपका फेशियल रिकॉग्निशन जो कि मिसिंग है रेस्ट सारी चीजें इस लैपटॉप में काफी ज्यादा अच्छी है डेल इज अ गुड ब्रांड और यहाँ पे जो हिंज का इशू है अगर वो सच में रियल है तो डेल को जरूर से उसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए बाकी बैटरी लाइफ वगैरह तीन चार घंटे की निकाल के दे देता है विच इज नॉर्मल फॉर ऑल द लैपटॉप्स बाकी सारी चीजें सही रखी गई है अगर आप ऑल्टरनेटिव लैपटॉप चाहते हैं जो कि बहुत मायनों में इससे बेटर हो तो आप नीचे दी गई बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट को कंसीडर कर सकते हैं जहां पे मैंने सारे ही बेस्ट इंटेल और ए एम वाले लैपटॉप्स की लिस्ट बना के दे दी है आपको ये लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपके बीस ही टाइप की, की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर अपने दोस्तों के साथ में और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में